देखिए लिस्टें नॉर्मली पब्लिक डोमेन में जब कोई ऑर्डर छपते हैं बाकी चीज़ें होती हैं, चार जगहों पे ऑर्डर बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं से इस तरह का कागज़ आगे पीछे हो जाना को बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर शर्म की बात यह है कि जो इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग, जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहाँ का रहन सहन है, उसमें हर किसी के लिए जगह है, और जहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं, जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती रही है, आइंदा भी करती रहेगी। इस तरह के जो मान लीजिए जो बुखलाट में आए हुए घटिया किस्म के अंसर, ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फिज़ा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं, लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, ठीक है, इलेक्शन को लेकर आपको बड़ी परेशानी है और इवेंट्स बहुत सारे कराए जा रहे हैं ताकि यूथ ड्रग से दूर रहे, परेशानी ये भी है कि आज गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये परेशानी की बात तो है, चिंता की बात तो है, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सख्ती से, जिस तेजी से, जिस शिद्दत से ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ काम किया जा रहा है, वो समाज की बेहतरी के लिए है, वो लाजमी है, ज़रूरी है, पुलिस के साथ साथ लोगों को भी खड़े होना है, इस काम को जहीं रोकना नहीं बल्कि बहुत शिद्दत से और आगे बढ़ाना है, इस चैलेंज को भी हम लोगों ने उसी चैलेंज की तरह इसका सामना करना है जैसे दहशतगर्दी के चैलेंज का मुकाबला किया है। एसपीओस की गिरफ्तारी और एक पुलिसकर्मी भी है जो कुपवाड़ा में गिरफ्तार। देखिए, इस तरह की नकलो हरकत में, क्राइम में जो भी शामिल होगा वो किसी भी महकमे से हो, पुलिस से हो, कहीं से हो, किसी तरह का फ़र्क ना करके उनके खिलाफ वही तरीका अपनाया जाएगा जो बाकियों के लिए है, बल्कि उनके साथ और भी ज़्यादा सख्ती की जाएगी।